ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार आपके मुद्दे आपकी राय में आज बात उठा रहे हैं कि जो पब और बार का कल्चर है वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे युवाओं के लिए कितना हितकारी है। और बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से पब और बार में मनोरंजन के नाम पर, मस्ती के नाम पर कानून की अनदेखी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, हम आपसे भी आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर आप इस मुद्दे पर क्या राय रख सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और लगातार एक खास पैनल इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शमशेर सिंह जो ब्रिस्टल होटल के सीईओ हैं, हमारे साथ मशहूर समाजसेवी पूनम भट्टाकर मौजूद हैं। इनके अलावा जो यूथ है, खासकर बड़ी जो चिंता है हमारी वो यूथ की चिंता है कि आखिर इन पबों में कहीं हमारा यूथ तो नहीं भटक रहा है। भानीराम मंगला हमारे साथ मौजूद हैं जो समाज चिंतक हैं, और इनके अलावा यूथ के तौर पर जो उनकी तरफ से, यूथ की तरफ से आए हैं राजा कौशिक। आए दिनों पबों में होने वाली गुंडागर्दी की खबरें आम हो चली हैं। पहली बार हम आपको इस गुंडागर्दी की उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो तीसरी आंख में कैद हुई है, जिन्हें देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुरक्षित कहे जाने वाले मॉल इन पबों की वजह से किस कदर महफूज नहीं है। 14 अक्टूबर 2011, समय करीब 11:30। सैकड़ों की तादाद में किन्नरों ने सहारा मॉल में स्थित पब में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब मॉल सिक्योरिटी ने उन्हें रोका तो नजारा देखने को मिला। उसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। किन्नरों की ये फौज न केवल मॉल में घुस आई बल्कि अपने कपड़े उतार यहाँ वहाँ घूमने लगा। 1 मार्च 2012, समय करीब रात के 12:10। पब में मस्ती के इरादे से आए एक युवक को बाउंसर से उलझना इस कदर महंगा पड़ा कि दर्जन भर बाउंसर से इसकी जमकर धुनाई कर डाली। 10 सितंबर 2012, समय करीब रात 1 बजे, 3 विदेशी युवक मौज मस्ती करने पब में पहुंचे। इसी दौरान इन युवकों की पब के बाउंसर्स के साथ छोटी सी बात को लेकर कहा सुनी क्या हुई। पब के बाउंसर्स और मैनेजर ने मिलकर इन युवकों की मौज मस्ती को इस तरह से धुनाई कर छूमंतर किया कि इन युवकों को जान बचाकर भागना पड़ा। 18 नवंबर 2012, समय करीब 12:20। इन दोनों युवकों के साथ भी वही बीता जो विदेशी युवकों के साथ हुआ, इनको भी बाउंसर्स की गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ा। 16 मई 2013, डेस्टिनेशन होटल में छापा मारा गया। इस छापेमारी में पुलिस ने होटल मालिक समेत 16 युवकों और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया। इस होटल में अवैध रूप से ग्राहकों को शराब पिलाई जाती थी। 6 जून 2013 को ओमैक्स वेडिंग मॉल के ऑर्डिक्स पब में पुलिस ने छापा मारकर 22 युवक और 6 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि इस पब में अवैध रूप से जुआ खेला जा रहा था, साथ ही वेश्यावृत्ति के लिए युवती भी लाई गई थी। गुड़गांव से देवेंद्र भारद्वाज, खबरें अभी तक। तो ये कुछ वानगी हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जो सामने आए हैं, जो पब के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर जिस तरह से गुंडागर्दी होती है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होता है, वेश्यावृत्ति या यूं कहिए कि नशाखोरी को बढ़ावा मिल रहा है, ये कुछ चिंताएं हैं हमारी। इसलिए आपके मुद्दे आपकी राय में हमने ये जो बार कल्चर है, ये जो पब कल्चर है, इस मुद्दे को हमने उठाया। हमारे साथ देवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। देवेंद्र, जब बात आती है, क्योंकि एक ये बार कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था की जिस तरह से ये हमने एक रिपोर्ट दिखाई कि पिछले 2-3 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं पब के बाहर, बार के बाहर, जिससे कानून व्यवस्था खतरे में नज़र आती है। बड़ा सवाल ये भी है कि जिन एजेंसियों के पास, चाहे पुलिस की बात करें, इन सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यहाँ सब कुछ ठीक चले, व्यवस्थित चले, वो आखिर कितनी कमज़ोर साबित हो रही हैं जो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल सुंदर है कि बहुत चिंताजनक बात है जिस तरह से जो मॉल और पब की जो ये दृश्य नज़र आ रहे हैं जिसमें गुंडागर्दी लगातार हो रही है, तो एक बहुत चिंता की बात है। लेकिन इसको रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ पब जो मालिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, और यही कारण है जब तक मालिक, पब मालिक और प्रशासन अधिकारी इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये इसी तरह से चलते रहेंगे। क्योंकि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा बार है, 225 गुड़गांव में पब है जिसके अंदर इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही है। सारे नहीं है लेकिन कुछ के चलते, कुछ की में गुंडागर्दी के चलते, मनमानी के चलते, इससे अब और जो दूसरे पब है उन पर भी बिल्कुल प्रभाव भी सही बात ये उठाई कि कहीं ना कहीं पब मालिकों की जिम्मेदारी भी बनती है। शमशेर सिंह जी से जवाब ले लेते हैं, सीईओ हैं ब्रिस्टल होटल के, वहाँ भी पब है, वहाँ भी बार है। शमशेर सिंह जी, चीज़ें ठीक हैं,
कल्चर जिस तरह से बार कल्चर आ रहा है, गुड़गांव में आ रहा है, हरियाणा के बड़े बड़े शहरों में लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंताएं समाज की एक तरफ हैं, लेकिन जो ये कानून व्यवस्था को लेकर ये खतरा जिस तरह से लगातार बनता जा रहा है, इस तरह की घटनाएं जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाई लगातार आती रहती हैं। ऐसे में बड़ी चिंताजनक बात ये भी है कि इनसे कैसे बचा जाए और क्या जो जिम्मेदारी आपकी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। कमी तो नहीं है, बाकी सब ने ऑथराइज सिक्योरिटी के लोग रखे हुए हैं, बाउंसर्स भी हैं, सिक्योरिटी वाले भी हैं। हमने करीब 58 सिक्योरिटी ऑफिसर्स रखे हैं रात में। वी आर मेंटेनिंग द पीपल, वी आर मेंटेनिंग द क्राउड एज वेल। प्रोफाइल अच्छी हो तो एंट्री हो और नहीं हो तो नहीं हो जी, जिम्मेवारी हमारी है। अगर कोई नशे में हो भी जाता है तो गाड़ियों का प्रबंध है। आज तकरीबन हर मॉल में एक दो टैक्सी बार मालिकों ने रखी हुई है क्योंकि उसको घर भी छोड़ा जाए जी। सारे प्रिकॉशंस हमारी तरफ से हैं, लेकिन कुछ तो नशा ही। नीरज एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज रखिए अपनी बात। मेरा तो सवाल है वो शमशेर जी से है। मैं शमशेर जी से पूछना चाहता हूँ कि जी ये बार कल्चर को जो गलत कह रहे हैं, अभी आरडीएक्स में जो हुआ 22 लड़के लगभग और 7 लड़कियां थी। कई बार तो ऐसा होता है कि एंट्री करने के लिए भी जो पब के बाहर या बार के बाहर लड़कियां होती हैं 500 रुपए में 200 रुपए में एंट्री कराती हैं। ये सब कुछ जो है बार संचालक जानते हैं, इसके बावजूद भी इस तरह इनके ऊपर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती। नीरज बड़ा सवाल उठाया है शमशेर सिंह जी, सीधा सवाल आपसे है कि इन मौज मस्ती मनोरंजन रिलैक्सेशन का टाइम इस तरह के नाम पर पब और बार है, लेकिन उनके पीछे वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, कानून व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो ही रही है। कौन कर रहा है हमें क्या पता जी, कौन कर रहा है? नहीं ये चीज़ें बढ़ावा दे रही, ये चिंता का नहीं, जो बढ़ावा दे रहा है उसको बंद किया जाए। अब एक अगर एक आउटलेट में कुछ हो रहा है तो उसके लिए हम सारे आउटलेट को थोड़ी ना जिम्मेवार ठहराएंगे। हर इंसान की अपनी मेंटेलिटी है, उसको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, उसको कैसे अच्छा लग रहा है, या उसको कैसे अलाउ किया, या उस पर किसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया, या वहाँ पर जो जा रहे थे उनमें से किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। तो अगर एक आउटलेट खराब चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी 99 खराब चल रही है। राजेंद्र मलिक जींद से जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। भानी राव जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति है? साफ सुथरी बात है जी। अभी शमशेर जी कह रहे थे कि भाई हमें तो लाइसेंस मिला हुआ सरकार से, सरकार को हम टैक्स देते हैं, उसके बाद सरकार टैक्स दे करके शराब पिलवाती है। शराब पिलवाने से नशे में जो आ जाता है वो नशे में आने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे मनोरंजन के साधन तो पहले भी थे, तो पहले लोग मनोरंजन नहीं करते थे क्या? पहले नाटकें होती थी, शांग होते थे, उनके माध्यम से लोग मनोरंजन करते थे, और खेल होते थे, कबड्डी होती थी, हॉकी होती थी, ये मतलब ऐसे खेल होते थे, और डूडू होते थे, मतलब जिसमें व्यायाम भी होता था और खेल भी होता था, मनोरंजन भी होता था, मनोरंजन पहले भी होते थे। लेकिन आज शराब पिला करके मनोरंजन करेंगे क्या? हम शराब पिला कर क्या युवाओं को हम भ्रमित करके उनके रास्ते से हटा करके वो गलत रास्ते पर डालेंगे क्या? हमें जब तक घरों से, जब तक विद्यालयों से संस्कार हम अपने बच्चों में नहीं डालेंगे, और आज आज़ादी के नाम पर कि भाई युवा और युवतियां कहती हैं कि हमें आज आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं समझ नहीं पाता आज़ादी क्या होती। क्या आज़ादी इस बात की है कि वो पफ बारों में जाएं? क्या आज़ादी इस बात की है कि वो मतलब कम से कम कपड़े पहन के घूमें? क्या आज़ादी इस बात की है कि वो किसी की बात ना माने? क्या आज़ादी इस बात की है कि अपने पूर्वजों के बड़ों का सम्मान ना करें? ये कोई आज़ादी है क्या? आजादी इस बात की है कि वो अपनी आजादी से अपना काम करें। पूनम भटनागर जी हमारे साथ हैं। जो बदलाव आ रहे हैं समाज में, जिस तरह के बदलाव हैं, भानी राम जी की जिस तरह की चिंता है, इनके जो भी आरोप है आज़ादी के नाम पर जिस तरह से खुलापन आया है या जिस तरह से युवा अपनी मनमर्जी करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है पूनम भटनागर जी? देखिए ऐसा है कि पब बार में वही जा पाता है जिसके पास पैसा है, और मैं समझती हूँ कि अगर हमारे ग्रुप सेक्शन अगर डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से रिच फैमिलीज़ बहुत कम मिलेंगी, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा मिलेगी, और पुअर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी कंपैरेटिवली तीनों को अगर रेशो में लिया जाए। तो मिडिल क्लास जो फैमिली है उसमें इतना पैसा नहीं होता कि बच्चों को पब के लिए पेरेंट्स अलाउ करें, और ना ही शायद हमारे संस्कार भी कहते हैं कि बच्चों को रात को लड़के लड़कियों को भेजा जाए। वो कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करते हैं जिससे कि पैसा उनके पास आता है और वो ये सब एंजॉय करते हैं। दूसरी बात, आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को पीजीज में डाल देते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे पीजी में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, ये नहीं पता कि शाम के टाइम वो अपने पीजी में होते ही नहीं,
छः से लेकर रात को 12 बजे तक ना तो पेरेंट्स कॉल करते हैं, वो सोचते हैं बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये नहीं कर पता कि बच्चे बाहर घूम रहे हैं और पब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कहीं जो हम झूठ बोलने की प्रक्रिया को पनपना दे रहे हैं या जिस गलत हरकत में क्राइम में जवाब, आपकी बात का शमशेर सिंह जी से जवाब लेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं जींद से, बलविंदर मलिक। बलजीत जी आपका स्वागत है, कहिए। हेलो जी, कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। राजेंद्र मलिक फ्रॉम जी। हाँ राजेंद्र मलिक जी बोलिए। ऐसा है, ये जो पब की बातें हैं ना, ये चली हुई हैं आपके टीवी के ऊपर, अब हम देख रहे हैं। जी कहिए। बार की और पब की, ये जो कल्चर है, इस सारी कल्चर ने हमारे युवाओं का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, और इसको बढ़ावा देने वाला कोई और नहीं है, इसको बढ़ावा देने वाली हमारी सरकार है, हमारे समाज के कुछ लोग जिनके ये कुरीतियां समाज के अंदर चली हुई हैं, और अगर ये आगे बढ़ता रहा, चाहे वो किसी के उस पर, वो अब जैसे वेलेंटाइन डे टाइम है, वेलेंटाइन डे है, या कोई इस तरह की जो चीजें चली हैं, उससे ये खुलापन मिल गया, और इस खुलेपन के कारण है हमारे समाज के अंदर आ गई कुरीतियां, और आज के जो युवा हैं खासतौर से इन पब और बार में बारों में जा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जी राजेंद्र जी, हम चिंता समझ रहे हैं, और यही वजह है कि हमने आपके मुद्दे, आपकी राय में ये मुद्दा उठाया है कि बार कल्चर और जिस तरह का कल्चर, जिस तरह से जो दूसरे देशों की सभ्यता हैं उनको हम ले रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, उनसे हमारे समाज पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ उसके नतीजे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या सच में जो ये चिंता आज हम इस मंच पर उठा रहे हैं उस पर समाज को सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरह से शमशेर सिंह जी कह रहे हैं लगातार कि ये सब अपने मन पर, अपने सोच पर, अपनी समझ पर निर्भर करता है, उसे सोचना चाहिए कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। और यूथ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि आज का युवा, इस देश का युवा इतना समझदार है कि वो अपने डिसीजन, अपना अच्छा भरा बुरा सब कुछ तय कर सकता है। एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।